जैसे आज की मुरली में बोला कि करण कराम हार से एक बात ही है, तो उसमें बाबा कुछ आत्माएं संदेश लेने के निमित्त बनती हैं और कुछ देने के निमित्त बनती हैं। अगर वो आत्मा संदेश देने वाली आत्मा नित्य धर्म की हो और लेने वाली आत्मा उस धर्म की भी हो सकती है, तो क्या वो भी उसकी प्रजा बनेगी? जो भी टीचर होते हैं वो टीचर सब उच्च पद पाने वाले बन जाते हैं क्या? कि कोई टीचर टीचर ही बन करके रह जाते हैं और पढ़ने वाले बड़े बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, बनते हैं या नहीं? जवाब मिला? तो पापा 4.5 लाख आत्माएं होंगी, उनमें 50 लाख सूर्यवंशी आत्माएं ऐसी होती हैं कि जो सारी दुनिया को शरीर छोड़ते हुए देखेगी, जो पूरी दुनिया को शरीर छोड़ते हुए देखेंगे 50,000 सूर्यवंशी आत्माएं 4.5 में से। अच्छा, तो पापा टोटल सूर्यवंशी आत्माएं कितनी होती हैं? जो सिर्फ सूर्य को फॉलो करें और कोई को फॉलो न करें और आखिरी परीक्षा तक भी फॉलो करें, जो फाइनल परीक्षाएं होंगी वो कड़ी से कड़ी परीक्षाएं होंगी या सहज होंगी? दुनिया में विनाश तो होता ही रहेगा और दुनिया में हिंसा तो बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ती ही रहेगी। तो ऐसे टाइम पर भी जिनकी बुद्धि में एक बाप दूसरा न कोई सहारा, वो इस स्टेज को प्राप्त करेंगे। और उनकी शूटिंग हो जाएगी। इसलिए रुद्रयज्ञ जब रचते हैं तो कम से कम कितने सालिग्राम रचते हैं? 1 लाख सालिग्राम रचे जाते हैं। जरूर उनमें 50,000 सूर्यवंशी और 50,000 चंद्रवंशी। वो चंद्रवंशी भी अपने को सूर्यवंशियों में मर्ज कर लेते हैं, तब सूर्यवंशी कहे जाते हैं। जैसे कन्या है, कन्या की जब सगाई हो जाती है तो माँ बाप के घर में भले किसी भी कुल की कही जाती हो, फिर पति के कुल में जाकर पति की कुल की कही जाती है। और जो गीते वाले हैं उनको मुरली में तथाकथित शब्द क्यों इस्तेमाल करने के लिए? और क्या उन्नत ब्राह्मण माँ बाबा तो आते हैं, आपको दुख होता है क्या? दुख नहीं होता। तो पहला उनको बीके कह, बीके तो है ना वो, मतलब कोई बी बीके का मतलब क्या है? ब्रह्म कुमार। बीके का मतलब ही हुआ ब्रह्म कुमार और पीवे का मतलब हुआ प्रजापिता ब्रह्म कुमार। अगर कोई ये कहे कि मैं अम्मा का बच्चा हूँ, फिर कोई पूछे अरे अपने बाप का नाम तो बताओ। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी अम्मा के बच्चा हूँ, बाप की बात मत करो। तो सोचने वाला क्या सोचेगा? क्या सोचेगा है? ये क्यों नहीं अपने बाप का नाम बता रहा है? कारण कोई कारण होगा कि नहीं होगा? क्या कारण हो सकता है? जानते हैं पता नहीं कोई। हमें अम्मा ने बच्चे को बाप का नाम बताया ही नहीं है, कोई घपला है। आश्रम के आगे प्रजापिता लिखते हैं, आश्रम में प्रजापिता लिखते वो बरगलाने के लिए प्रजापिता लिख देते हैं। अंदर से जब उनसे पूछा जाए कि क्या हो तो नहीं बताते कि हम एक बाप के बच्चे हैं। जैसे संकर की, संकर का मतलब तीन आत्माओं का, तीन आत्माओं को संकर कहते हैं। तो अब यहाँ भी वाणी चल रही है और जैसे गुलजार दादी के तन से माँ बाप में भी वाणी चल रही है, तो क्या जैसे ब्रह्मा बाबा यहाँ भी काम कर रहे हैं और वहाँ भी दोनों
मतलब कि एक ही आत्मा दोनों जगह काम कर सकती है। एडवांस में जो वाणी चलती है वो मोस्टली दिन में चलती है, रात में चलती है, है? ब्रह्मा को ज्ञान चंद्रमा कहा जाता है, चंद्रमा रात में निकलता है, रोशनी देता है, यह दिन में रोशनी देता है। मुरली चलती थी ब्रह्मा के तन से, तो गुड नाइट का भी कहते थे क्या? गुड मॉर्निंग, गुड नाइट की तो बात ही नहीं। और अभी गुंजार दादी में जो वाणी चलती है क्या कहते हैं अंत में? गुड नाइट। गुड नाइट का मतलब क्या होता है? गुड नाइट तब की जाती है जब अलग अलग हो जाते हैं। क्या पति पत्नी आपस में मिलकर के एक ही कमरे में रह रहे हैं तो गुड नाइट करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो बाप से तो कभी गुड नाइट करने की बात है ही नहीं, वो तो हमारे सदा साथ रहे, स्वप्न में भी बाप साथ में रहे, गुड नाइट की तो बात ही नहीं। अब ब्रह्मा बाबा क्या करते हैं? गुड नाइट करते हैं। क्यों करते हैं गुड नाइट बच्चों से? है क्योंकि ब्रह्मा की आत्मा जानती है कि ये जितने भी बच्चे बैठे हैं वो कोई किस धर्म के हैं, कोई किस धर्म के हैं, आज नहीं तो कल ये सब मेरे से बिछड़ने वाले हैं। सभी धर्म वालों ने किसको फॉलो किया है? एक बाप को फॉलो किया है। वो निराकार शिव जब स्थिति पर आते हैं तो कितनी मुख्य आत्माएं होती हैं? नहीं, तीन तो ग्रुप हो गए धर्मों के, एक आदि से अंत तक सीधा जाने वाला, कोई में कन्वर्ट नहीं होता। एक वो दाई ओर कन्वर्ट होते हैं और एक वो बाई ओर कन्वर्ट होते हैं। ये तो तीन ग्रुप हुए धर्मों के, लेकिन टोटल धर्म कितने स्थापन होते हैं? दस प्रकार की धारणाएं हैं मुख्य रूप से संसार में। तो सिखों में भी दस गुरु हैं। और बाबा जब राम बाप याद के आदमी की शुरू हुआ तो बाबा अपने द्वारे जन्म ले लेते हैं, बाबा जब राम वाली आत्मा जब दोबारा जन्म लेते हैं तो सतयुग का शूटिंग करते हैं, सतयुग का शूटिंग करते हैं, सतयुग का शूटिंग करते हैं, दोबारा जन्म लेकर, दोबारा जन्म लेकर के राम बाप सतयुग की शूटिंग करते हैं, या जब दोबारा राम की आत्मा आती है ब्राह्मण संप्रदाय के बीच में तो सतयुग की शूटिंग पहले से हो रही होती है। 40 वर्ष जो है उसमें शुरुआत के 10 वर्ष जो है वो तो संगम में संगम के है, 36 से लेकर 40-45 में स्वर्ग का नमूना बन गया जिसका यादगार अजमेर में दिखाया जाता है। तो सतयुग की शूटिंग जैसे शुरू हो गई, मुरली चलना शुरू हुई, मुरली कब से निकलती चली आई? 40-47 से मुरली निकलती चली आई। तो सामान्य रूप से देखा जाए तो 40-47 से लेकर के
और 76 तक ये सत्यु की सूचि होती है। क्या राम की आत्मा थी ना? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे होते हैं, उनको किस राज से मिले ऊंचा पद मिलता है? हाँ, किस राज से मिले उनको ऊंचा पद? जो है वो सृष्टि के अंत में मिलता है या आज या मध्य में मिलता है? अंत में मिलता है ना। तो शूटिंग पीरियड में भी जब अंतिम प्रत्यक्षता होने वाली होगी बाप की, तो प्रत्यक्षता होने से थोड़ा पहले वो रंगमंच पर आ जाएंगे, चाहे गांधी जी की आत्मा हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस की आत्मा हो, या जो बड़े बड़े अल्पकाल की राजाई लेने वाले, कुर्सी पर बैठने वाले अभी बैठे हुए हैं, वो अपना पार्ट बजाए रहे हैं। वो भी लेते कहां से हैं? बाप से लेते। वो किस धर्म के हैं जो अभी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं बाहर की दुनिया में? वो किस धर्म के? क्रिश्चियन है, मुसलमान है, सिख है, क्या है, कौरव है? कौओं की तरह शोरगुल बहुत करने वाले हैं, हम स्वर्ग लाएंगे, रामराज्य लाएंगे। रामराज्य ला रहे हैं तो इंद्रत राज्य ला रहे हैं, रावण राज्य स्थापन हो गया। तो अल्पकाल की राजाई मिलती है आर्य समाजियों को, क्योंकि वो बाप के निराकारी रूप को मानते हैं लेकिन साकारी रूप को नहीं मानते, देवताओं को नहीं मानते, इसलिए उनको अधूरी राजाई मिलती है। और उन्हीं आर्य समाजियों से जन्म होता है रूस के नास्तिकों का, उनको कोई राजा ही नहीं मिलती, उन्हें राजा ही पसंद ही नहीं। लेनिन स्टालिन आए और जार राजाओं को मार काट के खत्म कर दिया, राजा ही उन्हें चाहिए ही नहीं। बाप का वर्तन नहीं चाहिए, वो राज्य सीखते ही नहीं। बाबा जो 63 जन्मों के विकर्म हैं, उनको हम या तो योग से चुप्त कर सकते हैं या फिर विकर्म भोग से। जैसे तो जैसे राम बल आत्मा है, मतलब योग बल में तिखी है सबसे, अच्छा, तो फिर भी कुछ ना कुछ कर्म भोग रहता है, जैसे फिर वो कैसे योग बल? ठीक बात है, जब राम वाली आत्मा है, इतना बड़ा पुरुषार्थी है और वो विश्व का बादशाह बन जाता है, तो योग बल से सारे विकर्म भस्म करना चाहिए, हैं? बीमार तो नहीं पड़ना चाहिए, हैं? इतना बढ़िया विचार है। लेकिन वो सबका बाप है या सिर्फ योगियों का बाप है? राम राजा ही कहा जाता है कि राम प्रजा भी कहा जाता है? राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है, वो तो सारी सृष्टि का बीज है। इसलिए मुरली में बोला है, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू न होगी। तो अगर बाप कर्म भोग नहीं भोगेगा, बीमारियां नहीं भोगेगा, त्रास नहीं करेगा बीमारियों से, तो जो बीमार रहने वाले बच्चे हैं उनका बाप नहीं आया हुआ है? बुद्धि बहुत बढ़िया बाबा जी, बच्चे कॉन्सेंट्रेटेड हैं राम की आत्मा जी पर। बाबा जब नास्तिक धर्म का बीज भी तो स्वर्ग में आएगा नहीं है? नास्तिक धर्म का बीज भी तो जमीन पर बैठे हैं, वो तो उसका मतलब ये सब बोला। भारत इस समय पूरा नास्तिक है। क्या
भारत माता नहीं कहा, क्या कहा? भारत इससे में पूरा नास्तिक है। भारत माता स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग। और वो स्त्री जो भारत माता नाम से कही जाती है वो विधवा है या सदवा है? सदवा है। सदवा है, सदवा है, तो भारत पिता भी होगा, होगा या नहीं होगा? होगा। जो भारत है उसके लिए बोला है खास कि रामायण की सारी कथा की कहानी भारत के ऊपर है। तो किसके ऊपर है रामायण की कहानी? भारत माने क्या? रामायण की कहानी राम के ऊपर है ना। तो बाप क्या कहना चाहते हैं कि राम वाली आत्मा ही भारत है। समझ नहीं आया? आप अपना प्रश्न एक बार फिर दोहराइए। केवल जो बीज रूप आत्मा है ना, सभी सभी धर्मों की नास्तिक धर्म का बीज रूप माना। राम वाली आत्मा नास्तिक होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए। फर्स्ट आत्मा तो हुई, लेकिन नास्तिक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपका मूल प्रश्न यही है ना, राम वाली आत्मा नास्तिक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सबसे अव्वल नंबर वन नास्तिक तो राम वाली आत्मा बनती है। क्यों? आस्तिक का मतलब ही है आस्था रखने वाला, आस्था श्रद्धा या विश्वास। वो बिंदी में रखा जाएगा या किसी साकार के ऊपर रखा जाएगा? साकार के ऊपर श्रद्धा विश्वास आस्था होगी तो आस्तिक हो। राम की आत्मा के लिए कोई साकार है जिसके ऊपर आस्था रखे? है कोई साकार? है। तो जब किसी साकार का आस्था ही नहीं है, श्रद्धा ही विश्वास नहीं है, तो नास्तिक है बड़े से बड़ा या आस्तिक है? बड़े से बड़ा नास्तिक राम वाली आत्मा है। है? बच्चे रुद्रमाला जी, जो भी बच्चे हैं इस समय वो रुद्रमाला के बच्चे हैं या विजयमाला के बच्चे हैं? रुद्रमाला के बच्चे हैं। उन पर आस्था रखना है। पुरुष स्वभाव के हैं या स्त्री स्वभाव संस्कार के? पुरुष स्वभाव संस्कार के हैं। और पुरुषों को सबको क्या कहा है? सब दुर्योधन को साथ आस्था रख करके अपनी किस्मत छोड़ेंगे क्या? महाबली प्रत्यक्ष होने के बाद महाकाली प्रत्यक्ष होगी क्या? महाबली प्रत्यक्ष होने के बाद महाकाली प्रत्यक्ष होगी, ये क्या बात है? महाकाली का पार्ट है मार काट मचा करके दुष्टों का दमन करना। जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो सब खलास कर देगी। तो दिवाली में पहले महाकाली का काम होना चाहिए या लक्ष्मी का आवाहन होना चाहिए? पहले घर की सफाई की जाती है, बाद में लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है। अब तो उल्टी बात कर दी। बाबा जैसे राम जन्मभूमि तो कौशल्य नगरी है और शास्त्रों में राम जन्मभूमि जैसे बाबा अपने लिए तो वही है। द्रौपदी जन्मभूमि कहा होता तो भी ठीक है। है द्रौपदी का जन्मभूमि तो गाया हुआ है, राम जन्मभूमि नहीं गाई हुई है। जन्म कहा जाता है प्रत्यक्षता को, जन्म माने प्रत्यक्षता। बच्चा पैदा होता है तो
तो जन्म कहा जाता है। जन्म हुआ माने पहले गुप्त था, गर्भ में गुप्त था, बाद में प्रत्यक्ष हुआ। तो कंपिल को राम जन्म भूमि तो नहीं कहा। जैसे औरों को बताते हैं कि भी राम वाली आत्मा कंपिल में जन्म लेती है, गलत बताते हैं। तो उसकी शास्त्रों में यादगार, शास्त्रों में यादगार द्रौपदी की जन्म की है या राम की जन्म की है? हाँ, राम के जन्म की यादगार अयोध्या है। क्या है? अयोध्या। ऐसा संगठन तैयार होगा ब्राह्मणों का जहाँ कोई भी प्रकार का युद्ध नहीं होगा, दृष्टि का भी युद्ध नहीं करेंगे, प्यार से ही देखेंगे एक दूसरे को संगठन में बैठ करके। कोई भी प्रकार का बुखार एक दूसरे के लिए भरा हुआ संकल्पों में भी नहीं होगा। वाचा से आपस में एक दूसरे से लड़ाई लड़े, एक दूसरे से गिलानी करें, वो तो बात ही खत्म। बाबू, जब ये कहा जाता है कि सारा पाठ आसान भरा हुआ है जाति जन्मों का, हमें कितने जन्म क्यों नहीं याद आते? मृत्यु एक एक्सीडेंट है या नहीं है? एक्सीडेंट के बारे में तो कोई जानता है कि कब हो जाए? कोई जानता है? एक्सीडेंट के बारे में पता नहीं, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। तो मृत्यु भी एक प्रकार का एक्सीडेंट है, और जो एक्सीडेंट होते हैं वो सामान्य होते हैं फिर भी, लेकिन मृत्यु एक ऐसा विशेष एक्सीडेंट है, ऐसा महत्वपूर्ण एक्सीडेंट है, बड़े से बड़ा एक्सीडेंट, कि जिस एक्सीडेंट के बाद कुछ भी याद नहीं रहता। वो जो सामान्य एक्सीडेंट होते हैं हद की दुनिया में, उनमें भी कभी कभी याददाश्त गायब हो जाती है। थोड़े समय के लिए कोमा में नहीं जाते, लंबे लंबे समय तक कोमा में चले जाते, कुछ भी याद, सारी जिंदगी भी कुछ नहीं याद रहता। तो ये तो बड़ा से बड़ा एक्सीडेंट है, और एक बार का एक्सीडेंट ऐसा नहीं होता है। ये आत्मा तो कितने जन्मों के एक्सीडेंट से गुजरती है, इसलिए कुछ याद रहना संभव नहीं है। और शक्तियों को शेर की सुपारी दिखाते हैं, बिल्कुल हाँ, क्यों मान लिया शेर की सवारी दिखाते, क्यों दिखाते हैं? रावण शक्ति कहा जाता है, कंस शक्ति कहा जाता है, या शिव शक्ति कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? तीन मूर्तियों में कौन सा ऐसा पार्ट है जिसकी यादगार के आधार पर जो हमारा झंडे का चित्र है, या जो कोर्ट ऑफ आर्म्स का चित्र है, या जो नोट पर तीन शेर दिखाए जाते हैं, या अशोक की लाश दिखाई जाती है, उसमें शेर का चित्र बनाया जाता है, वो किसकी यादगार है? वो कौन है त्रिमूर्ति शिव? ब्रह्मा को कहें, ब्रह्मा को तो मुरली में ही बोल दिया है। वास्तव में तीन शेर नहीं है, एक है शेर, एक है घोड़ा, एक है बकरी। बकरी की क्या खासियत होती है? कान पकड़ो चाहे जाओ ले जाओ। दूसरी खासियत
एक बकरी अगर गड्ढे में जाएगी तो सब गड्ढा ही पसंद करें। तो एक है बकरी, वो कौन हुआ? नहीं, वैष्णवी देवी का जो पार्ट बजाने वाली प्रसिद्ध होगी संसार में, वो अभी बकरी का पार्ट बजा रही है। इसलिए मुरली में बोला है क्या भारत माता है, मिस इंडिया है, तो मिस इंडिया को कहाँ होना चाहिए? इंडिया में सेवा करनी चाहिए। फिर विदेश में धक्के क्यों खाती है? क्यों कहा है सर? हाँ, जो फॉलो करने का पार्ट है, वो जिसको फॉलो करना चाहिए उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। ऐसे ही ब्रह्मा की मूर्ति को घोड़ा बताया, वो है ही मनरूपी घोड़ा। मनु मनु ब्रह्मा को कहा जाता है। तो भक्ति मार्ग वालों ने तीनों शेर दिखाए दिए। ये संपूर्णता के समय की यादगार है या अभी का पार्ट की यादगार है? जब संपूर्णता का समय आवेगा तो जो ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है, महाकाली के रूप में अभी पार्ट बजाएगी, और लास्ट में जो पार्ट बजाएगी वो शिव शक्ति का पार्ट बजाएगी या असुरों की शक्ति का पार्ट बजाएगी? शिव शक्ति का पार्ट बजाएगी, शिव के साथ मिलकर के एकाकार हो जाएगी। ऐसे ही वैसे भी शक्ति जो अभी बकरी का पार्ट बजाए रही है, क्या पार्ट बजाएगी? किसको फॉलो करेगी? शिव बाप को फॉलो करेगी। तब तीनों ही मूर्तियां शेर का पार्ट बजाने वाली कही जाएगी। और कैसे शेर का पार्ट बजाएंगे? शिव शक्ति कहा जाता है और शेर की सवारी दिखाई जाती है। और शेर भी दो प्रकार के होते हैं, एक बबर शेर होता है और एक होता है टाइगर। भारतवर्ष में खास किसकी यादगार है? टाइगर की यादगार। हमारे भारत का राष्ट्रीय जानवर पशु कौन सा है? टाइगर। इसलिए त्रिमूर्ति में वो टाइगर को सबसे ऊंचा शेर दिखाया गया है। क्यों सबसे ऊंचा है? बबर से ऊंचा होना चाहिए, वो सीधा साधा होता है। क्योंकि अवसर देख करके हमला करता है, जहां मौका नहीं है वहां हमला नहीं करे। शेर सीधा हमला करता है। तो चालाक कौन सा हुआ? टाइगर चालाक हो गया। इनका सवाल अभी पूरा नहीं हुआ या समझ में आ गया आपको? सवाल समझ में आ गया? टाइगर वो तो ठीक है, इनका सवाल क्या था? इनका सवाल था केवल शक्ति क्यों कहा जाता है, शेर नहीं शक्ति क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है शेर को शेरनी
प्यार से बस में कर सकती है या जोर जबरदस्ती करके बस में कर सकती है? तो प्यार से तो भगवान तुम्हारे पाँव बिछाएगा। मुरली में भी कहता है खूब बाबा के साथ बाप के साथ बातें नाते करो। जहाँ प्यार होता है वहाँ लाते भी अगर खा ले जाए तो कोई खर्चा नहीं होता। लेकिन जोर जबरदस्ती करके उसको बस में नहीं किया जा सकता। इसलिए शेर ही शक्ति कहा जाता है। जो शेर है, शेर का पार्ट बजाने जंगल का राजा है, जंगल का राजा जो शेर है वो ऐसी ज्ञान की दहार मारता है संसार में, संसार की जंगल में, तो उस दहार से सारे प्राणी दहल जाते हैं। ये कौन सी दहार है? ज्ञान की दहार है। बड़े बड़े देहधारी धर्मगुरु हिल जा रहे हैं। ये मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारे सब हिलने लग पड़ेंगे। एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा। तो शेर के ऊपर सवारी की होगी ना, वो व्यभिचारिणी शक्ति होगी या अव्यभिचारी शक्ति होगी? ऐसी होगी, अव्यभिचारी शक्ति होनी चाहिए। अगर मन में भी दूसरे का संकल्प आता है, दृष्टि कहीं उलझ जाती है, बड़ा सुंदर है। तो शेरनी शक्ति की लिस्ट में नहीं आ रही। फिर उसको किसकी सवारी देंगे? विचारणी को गधे की सवारी भी दिखाई जाती है। कोई देवी है जिसको गधे की सवारी दिखाई जाती है? बाबा जैसे कोई आत्मा जैसे शरीर छोड़ने से 4-5 महीना पहले अपने संकल्पों को दो आदमी बात अपने संकल्पों से गर्भ रखता है और उसी में प्रवेश कर लेता है, सकारी दुनिया में जो आत्मा है जो शरीर छोड़ने से 3-4 महीना पहले अपने संकल्पों से गर्भ को रखता है उसमें प्रवेश कर लेता है। अपने संकल्पों से गर्भ को रखता नहीं है, कोई भी आत्मा के जो स्वभाव संस्कार पक्के हो जाते हैं पूर्व जन्म से लेकर के अब तक के जन्म तक, वो स्वभाव संस्कार के आधार पर उसका एक आवरण बनता है, वातावरण बनता है। वो वातावरण ही शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले परिपक्व स्टेज का होता है और वो गर्भ में तैयार होता है। अगर आंखों से ज्यादा पाप कर्म किए होंगे और वो आंखों का पाप कर्म पक गया तो गर्भ के अंदर ही बच्चा अंधा तैयार हो गया। प्राणी शरीर छोड़ेगा 4-5 महीने के बाद, लेकिन उसका अगले जन्म का जो स्वरूप है वो पहले से ही तैयार हो जाता है। तो बाबा जैसे निराकारी धाम से जो आत्माएं जैसे इस धरा को उतरती हैं तो वो कैसे जैसे प्रवेश करती हैं? उसका भी कुछ होता है? वैसे ही धरा मानसा पाप होता है? नहीं, तो निष्पाप आत्माएं ठीक है, जो निष्पाप आत्माएं हैं वो प्रवेश करेंगी या गर्भ में आ गई प्रवेश करती है। 33 करोड़ देव आत्माएं और उनमें प्रवेश करने वाले करोड़ों की तादाद में ऊपर की आत्माएं आती रहती है, प्रवेश करती रहती। सत्य त्रेता में गर्भ महल में प्रवेश करती है और द्वापर कलयुग में गर्भ जेल में प्रवेश करती है। बाबा जैसे यहाँ पर इस दुनिया में जैसे दूसरे धर्म की जैसे इस्लाम धर्म की आत्मा है तो जब शुरू में जब उतरेगी इस्लामियों में ही प्रवेश करेगी? क्यों इस्लामी में जो प्रवेश करेगी वो किसी देवता धर्म की आत्मा में आ जाएगी? इस्लामी कोई है दुनिया में? इब्राहिम आवेगा या इब्राहिम के फॉलोअर्स आवेंगे पीछे पीछे? तो उस समय क्या इस्लामी होते हैं दुनिया में? होते हैं।
देव आत्माएं होती है, उनमें नंबरवार प्रवेश करते हैं। हाँ, उनकी कैटेगरी है। किस तरह की कैटेगरी? उनकी कैटेगरी यहाँ संगत रूप में तैयार होती है। उनकी कैसी कैटेगरी है? अभी एडवांस पार्टी इतनी जोर शोर से समझा रही है, कंदली पे बैठ करके कोई गुरु कोई मनुष्य मनुष्यों को दृष्टि देता है, इससे आत्मा की बैटरी छीन होती है। इस दृष्टि से शक्ति सुधरने वाली नहीं है, अवस्था नीचे जाती रहेगी, बुद्धि भ्रष्ट होती रहेगी, भगवान को पहचानने वाली बुद्धि नहीं बनेगी, फिर भी वो मानने वाले नहीं। तो इस्लाम धर्म का फाउंडेशन कहाँ पड़ रहा है? यही पड़ रहा है। जाति नीचे गिराने वाला आदमी कौन सा है? आपसे बहुत धोखेबाज है। और उनको खुली छूट दे दी संगत रंग करने के लिए, भरे संगठन में सबके साथ दृष्टि लेती है छोटी छोटी कन्या। जिस भारत वर्ष में ये मर्यादा रही है कि सीता रावण को आंख उठा करके भी नहीं देखती थी, वो तो भारत में देखो क्या हाल हो गया। तो ऐसे जो उन्होंने संगम युग में दृष्टि का पतन किया है, तो तेजी से नीचे बुद्धि गिरेगी, आत्मा नीचे गिरेगी या धीमी गति से गिरेगी? तेजी से नीचे गिरेगी। इतनी बुद्धि कुंड हो जाती है तो ज्ञान की बात कान से सुनना भी पसंद नहीं करते। ज्ञान सुनाने वालों को आंख से देखना भी पसंद नहीं करते। तो ऐसी जड़त्वमयी आत्माएं जो दृष्टि के विचार में फंस जाती हैं और बहुत ही दृष्टि का व्यभिचार करती है संगम भी ब्राह्मणों की दुनिया में, उनमें से जो अव्वल नंबर आत्मा है वो द्वापर के आज में इब्राहिम का आधार बनती है। क्यों? वही क्यों आधार बने? और भी तो 33 करोड़ देवताएं हैं, उनमें से कोई आधार क्यों नहीं बन जाते? उसी कैटेगरी की आत्माएं आधार क्यों बनती है? क्योंकि दृष्टि से तेजी से पतन होता है। कोई 21 जन्मों में कोई इस्लाम धर्म की वो बीज रूप और आधार रूप आत्माएं दृष्टि का क्षण करते करते व्यभिचारी बनते बनते इतनी कमजोर बन जाती है। उन कमजोर आत्माओं में इब्राहिम जैसी इस्लाम धर्म की आत्माएं प्रवेश करती हैं, दूसरों में प्रवेश नहीं करेंगी। और प्रवेश करके अपने धर्म कन्वर्ट करके ले जाती है। इस आत्मा ने, इस्लाम वाली आत्मा ने, क्या ब्रह्मा कुमारी के दौरान में ये इस्लाम धर्म की जो दृष्टि का लेन देन का ये शुरू करवाया, प्रचलन करवाया? अच्छा, माया को बेटी कहते हैं है? माया बेटी कहते हैं ना, बाप की बेटी है तो कोई साकार में भी होगी पार्ट बजाने वाली, ये ऐसे ही कह दिया माया बेटी है? साकार में उसका मुख्य काम क्या होगा? बाप की पहचान से दूर ले जाना माया का काम क्या होता है? क्या काम होता है? बाप के संग के रंग से दूर ले जाना, बाप की पहचान से दूर भगा देना और अपने ले लगा लेना। ये काम ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे जास्ती करने का निमित्त कौन सी आत्मा बनी? माया।
अरे कोई है कि नहीं? कुमार का दादी। नाम लेने में डर लगता है क्या? अब तो शरीर भी छोड़ दिया। जो बात चल रही है इसका प्रश्न क्या है? क्या प्रश्न है? माया बेटी नहीं है यज्ञ में कौन आत्मा निमित्त बनी ये प्रचलन के लिए? हाँ इस बात का ज्ञान देने वाला कौन निमित्त बनता है कि दृष्टि लेना देना ये विचार फैलाना आपस में दृष्टि लेना देना इसका निमित्त कौन बनता है? अरे ये ज्ञान देने वाला कौन है? शिव बाबा। लेकिन शिव बाबा ये ज्ञान किसको निमित्त बना करके देता है? जिसमें प्रवेश करता है। आप किसमें प्रवेश करता है? ब्रह्मा ने ये बताया कि दृष्टि मतलब ब्रह्मा के सामने ही दृष्टि का लेन देन होता रहा है। कोई आत्मा निमित्त बनती है ना, तो जो राम वाली आत्मा निमित्त बनती है उस आत्मा से दूर ले जाने का काम किसने किया? तो विरोध किया। ये बात उनकी समझ में आई कि दृष्टि का लेना देना गलत है? नहीं आई। और दूसरों को भी कोई बात पढ़ाई? तो जो आत्मा इब्राहिम की आधार बनती है वही आत्मा हर्ष नारायण जो सत्युग का है कृष्ण वाली सोल उसका बच्चा बनती है। आधार बनी ना। और वही आत्मा द्वापर युग में जब आती है तो सबसे जास्ती कमजोर बन जाती है 21 जन्मों 20 जन्मों। वो इतनी कमजोर क्यों बनी? कोई कारण रहा होगा ना। और आत्माओं में क्यों नहीं प्रवेश किया इस्लामियों ने? वो माया को फॉलो किया, माया का संग किया। और राम वाली सोल ये जानती नहीं होगी कि कौन से साकार में शिव बाप काम करता है? जानती होगी कि नहीं? अरे जानती है कि नहीं? क्या जानती है? ब्रह्मा बाबा चले गए तो राम वाली आत्मा किस में याद करती है? अरे राम वाली आत्मा ये जानती है कि नहीं कि मुकर्र में तो कौन सा है? जानती है। तो जब जानती है कि मुकर्र में तो कौन सा है तो वो उस स्वरूप में याद नहीं कर सकती? याद कर सकते ही नहीं। और याद करना उसको सहज होगा या कठिन होगा? उसको तो और ज्यादा सहज होगा। आत्मा को याद करना सहज होता है या परमधाम में सुप्रीम सोल को याद करना सहज होता है? है? परमधाम में याद करना वो तो ऊपर उड़ाना पड़ता है बुद्धि में, और ऊपर वाला नीचे आया हुआ है। जब नीचे आया हुआ है उस नीचे आए हुए में स्वरूप को याद करना सहज है या उसको कठिन है? क्यों सहज है? कि सबसे नजदीक तो वो है तो कठिन जो होगा और सहज होंगे। एडम ईव के पार्ट में ये तो पार्ट किसका माना जाएगा, ब्रह्मा का या दिगंबर का? क्या क्या? एडम ईव का पार्ट किसका माना जाएगा, ब्रह्मा का या दिगंबर का?
संस्कारी होते हैं वो साकार होते हैं या निराकार होते हैं? थोड़ा गंदम फल खाने की बात आई है, गंदम फल खाने की बात आई है। तीसरी बात अगर वो उसके मतलब लज्जा का कवच कवच चढ़ा होता है तो इसलिए जो गंदम फल खाने वाली बात आई है वो ब्रह्मा का तो कहा जा सकता है लेकिन जगदम्बा का कैसे कह सकते हैं? जगदम्बा महाकाली नहीं बनती। अरे हाँ ना तो गौर करती जगदम्बा महाकाली बनती है या नहीं? बनती है, महाकाली बनती है और विनाश का पार्ट बजाती है। तो विनाश इम्प्योरिटी से होता है या प्योरिटी से होता है? आपकी बात का जवाब आ गया। महाकाली और महागौरी क्यों कहा गया? कर्मों के आधार पर कहा गया या बिना किसी कर्म के ऐसे ही कह दिया गया? कर्मों के आधार पर कहा जाता है, कलमु ही है, कलमु आया काला मुंह करके आ गया। जैसे बाप के चार बच्चे हैं, एक निकम्मा है, एक निकम्मा है, तीन अच्छे हैं, क्या बाप एक निकम्मे को बाहर निकाल लेगा? काले मुंह वाले वाली बात आ गई ना, काले मुंह वाली बात आ गई ना। एक बच्चा काला मुंह करके आ गया, बच्चा है, बच्ची को बाहर निकाला जाता है कि बच्चे को बाहर निकाला जाता है? बाप बच्चे को बाहर निकाल देगा। अरे बच्ची को बाहर निकाला जाता है, शादी करके बाहर निकालते हैं या बच्चे को बाहर निकाला जाता है? किसको निकाला जाता है? बच्ची। जगदम्बा भी बच्ची है, मुरली माता ही नहीं है, जगदम्बा बच्ची है। माया जैसे बच्ची है वैसे जगदम्बा भी बच्ची है या नहीं है? बच्ची है। है? जब वो शरीफ होता है कौन कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने किसी को लगता राम राम सकते हैं और किसी देश का नाम राम का नाम दिया। दुनिया में सब मरेंगे कि नहीं मरेंगे? कोई ऐसा रह जाएगा जो मरेगा नहीं? एक नहीं, नहीं वो एक भी जीते जी मरेगा और उसके फॉलोअर 100,000 जो होंगे वो भी जीते जी मरे, मरना सबको पड़ेगा। तो अंत समय का गायन है, जब मरा पड़ेगा ना इस धरती पर तो कौन प्रत्यक्ष हो जाएगा? वो कौन साकार पार्टी है जो प्रत्यक्ष हो जाएगा? वो ही राम नाम सत्य का आ जाएगा। न कोई देवी देवता प्रत्यक्ष होगा ऐसा जो सत्य का आ जाए, क्योंकि सारे झूठे। एक ही सत्यनारायण की कथा गाई जाती है, सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं गाई जाती। बाबा जैसे माया ने अंधकार का काम किया, बच्चों को दूर कर दिया बाबा से, तो लेकिन नाम तो प्रकाश मुनि है, है? नाम तो प्रकाश मुनि है। कलयुग में नाम सच्चे होते हैं या सत्ययुग में नाम सच्चे होते हैं? तो बाबा ने दिया था नाम तो जी कहते बाबा ने दिया था नाम तो जो नाम देने वाला निमित्त बना उसकी मंदिरों में पूजा होती है? होती है? मंदिर बनते हैं, मूर्तियाँ बनती हैं? नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? झूठा काम किया या सच्चा काम किया? है झूठा काम किया, समझ आ रहा है? कलयुग में ऐसे ही नाम होते हैं, जल की न बंदो नाम है गंगा धरा, बंसी न पुंगो नाम है बंसी धरा। बाबा जो आठवां नारायण है, सबसे आठवां नारायण सिख धर्म का, सिख धर्म का आठवां नारायण, आठवां नारायण सिख धर्म का होता है? छठा है, छठा है। हाँ जी, सिख लोगों को नहीं याद होगा तो किसको याद होगा? बाबा आठवां है
गति नहीं चलती, गति चलती नहीं लेकिन गद्दी होती तो है, गद्दी उसके बाद उसके वारिसदार की गद्दी नहीं होगी जो राष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ है। ये पक्का है उसका बच्चा गद्दी पर बैठेगा? नहीं नहीं बैठेगा, उसकी गद्दी चलती नहीं है पीढ़ी दर पीढ़ी, लेकिन गद्दी होती तो है, गद्दी होती है तो उनकी गद्दी होती है आर्य समाजियों की, लेकिन वो अगली पीढ़ी में चलती नहीं। आखिरी जो नारायण होगा सतयुग का, उसकी गलती अगले जन्म में उसका नाम से जाएगी नहीं, खत्म, वो गद्दी को खत्म करने वाला है, बाप का नाम बदनाम करने वाला है। बाबा जब शिव बाप नीचे आ जाते हैं तो क्या परम नाम खाली हो जाते हैं? माने अभी दुनिया की आबादी बढ़ नहीं रही है तो क्यों ऐसा कहते हैं? क्या सुप्रीम सोल नहीं है परम नाम में? है सुप्रीम सोल, सुप्रीम सोल नीचे आया हुआ है या ऊपर है? नीचे आया हुआ है। जब नीचे आया हुआ है तो नीचे काम करेगा या ऊपर, नीचे ऊपर होता रहेगा? है उसको जिन्नात तो नहीं बनाया हुआ है, चलो और ऊपर ऊपर से नीचे उतरो। जिन्नात का टाइटल हम बच्चों को दिया है, क्या तुमको बाप ने काम दिया हुआ, कोई काम न मिले तो सीढ़ी चढ़ो और नीचे उतरो। जिन्नात का पार्ट बाप का तुम सुन रहे क्या? अरे वो तो आया है तो तभी बाप जाएगा जब काम पूरा कर लेगा। इसलिए मुरली ने बोला है कि जो मुझे ऊपर याद करते हैं वो शूद्र संप्रदाय, क्या जब नीचे आया हुआ है तो ऊपर क्यों याद करते? इसका मतलब पक्के ब्राह्मण नहीं बने हैं, ब्रह्मा को पहचाना नहीं है, ये बुद्धि में बात बैठी नहीं है कि ब्रह्मा इस शक्ति पर प्रैक्टिकल में कार्य कर रहा है। अभी भी ब्रह्मा है या नहीं है इस शक्ति पर? ब्रह्मा है, इसलिए तो पूछा उन ब्राह्मणों से, पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? तो जब सूक्ष्म बतन में तुम यहाँ गाय के लिए बैठे, हमारा ब्रह्मा तो यहाँ है, हम ब्रह्मा कुमार हैं पक्के, तो हम ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा है तो ब्रह्मा कुमार है, ब्रह्मा नहीं है इस शक्ति पर तो ब्रह्म ब्राह्मण कहाँ से आ गए? बाबा शिव बाप सतगुरु के रूप में शंकर में आता है और सदगति करता है, तो जो अपना एक कल्प वृक्ष का चित्र है उसके नीचे लिखा हुआ है कि मैं ब्रह्मा द्वारा जीवन मुक्ति और शंकर द्वारा मुक्ति देता हूँ। तो आपको दिखाई नहीं पड़ता प्रैक्टिकल जीवन में कि ब्रह्मा का जीवन खुद का है जो दूसरों को देगा जीवन मुक्ति का? तो जरूर कोई जो झाड़ का चित्र है जिसमें स्त्री पुरुष के रूप में ब्रह्मा सरस्वती बैठे हुए हैं जगत पिता जगदम्बा के रूप में, वो जगदम्बा जगत पिता प्रैक्टिकल में है या मुरली में जो बात बोली गई उसको मानेंगे? मुरली में तो बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा सरस्वती को भी माँ बाप नहीं, मम्मा बाबा नहीं कहेंगे, तो वास्तव में मम्मा बाबा कोई और हैं या ब्रह्मा सरस्वती ही मम्मा बाबा है? कोई और हैं जो एक ही के आदि में बैठ मम्मा बाबा को पढ़ाते थे? वो दोनों ही ब्रह्मा और शंकर फिर तो एक ही हो गई, क्या ब्रह्मा द्वारा जीवन मुक्ति और शंकर द्वारा मुक्ति, पर ब्रह्मा उसी को माने तो मतलब प्रजापिता ब्रह्मा माने जाते उसी को, तो शंकर भी तो वही हो गया फिर। शंकर में संकरण नहीं है ब्रह्मा का, प्रजापिता ब्रह्मा की सोल का संकरण है या नहीं है? उसमें प्रवेश है या नहीं चंद्रमा के रूप में? बाबा जो एक सौ आठ की माला बनती है सभी जन्मों के बारह बारह मन के उसमें आते हैं, तो उन मनकों को पहचान की पहचान क्या होगी? नीचे वाले नीचे काम करने वाले हैं, ऊंचे वाले ऊपर का काम करने वाले हैं,
जो दाई ओर के हैं वो अच्छा काम करने वाले हैं, जो बाई ओर के हैं बाएं हाथ बुरा काम करने वाला होता है, तो पहचान नहीं जाएंगे। माला में बुरा काम करने वाले भी आ गए। काम करने की गति है क्या, कोई किसी गति से काम करता है, कोई की क्या पॉलिसी, कोई की क्या पॉलिसी, पॉलिसी अपनी अपनी अलग अलग है, इसीलिए तो उनको अलग अलग तरीके से दिखाया गया, कोई को लेफ्ट से दिखाया गया, कोई को राइट से दिखाया गया। जो भी धर्म है दुनिया में उनमें लेफ्टिस्ट ज्यादा पावरफुल है या राइटियस ज्यादा पावरफुल है, है? कोई कहता लेफ्टिस्ट, कोई कहता राइटिस्ट। ढाल के चित्र में जो भी धर्म की डालियां दिखाई गई हैं, उनमें लेफ्ट के जो धर्म वाले हैं वो ज्यादा पावरफुल हैं या राइट की ज्यादा पावरफुल है? अपने समय पर महात्मा बुद्ध पावरफुल है, फिर उसको कन्वर्ट किसने किया? कोई पावरफुल है और उसको अपने साथ कोई पकड़ के ले गया, तो कौन पावरफुल हो? उसका सही कर्म हो रहा तो होगा ही कन्वर्ट होगा। टाइम जब दो हो तभी तो पता चलेगा कि पावरफुल कौन है कमजोर कौन है। दो का आमना सामना हो नहीं तो पता चलेगा, आमना सामना होना जरूरी है। हाँ, शास्त्रों में भी दिखाया गया है कि भगवान अगर देवताओं का सहयोग न करे तो देवताएं कभी भी असुरों से जीत नहीं पा सकते। तो देव आत्माएं हैं कमजोर, राइटियस हैं कमजोर और लेफ्टिस्ट हैं पावरफुल। ये पावर उन्होंने कहाँ अर्जित की? संगम युग में उन्होंने जो योग लगाया है निराकार के साथ, बल व्यभिचारी दृष्टि ली है, लेकिन जो तपस्या उन्होंने जितनी जास्ती की है उतनी देव आत्माओं ने नहीं की। अभी इतना महत्व दे रहे हैं अमृत वेला सुधारा, तो सब कुछ सुधारा, यहाँ हाथ उठाया जाए कि अमृत वेला से कौन कौन संतुष्ट है, हाथ उठाओ तो कितने परसेंटेज निकलेंगे? ये देश है वीर जवानों का, देश है वीर जवान हलवे लोगों का अमृत स्थान होता है। बुद्धि में बैठा हुआ है भगवान हमारा साथी है, राजा लोग है नहीं। बाबा जो त्रेसर जब जनवर हिसाब का है तो किस जन्म यहाँ पर बनता है? द्वापर त्रेसठ जन्मों का हिसाब किताब 21 जन्मों के आधार पर बनता जरूर है, लेकिन 21 जन्मों का हिसाब किताब किस आधार पर बनता है? संगम युग के पुरुषार्थ क्या है? जैसे द्वापर युग से पहला जन्म होगा ना त्रेसठ जन्म से पहला जन्म होगा है, जो पहला जन्म सत्युग का होगा उसी आधार पर पहला जन्म द्वापर युग का होगा। बिल्कुल होगा, उसमें नहीं शरण दो ही होगी। शरणी जो है जो पहले जन्म में ऊंचा सत्युग के आदि, जो सत्युग के आदि में ऊंचे मर्तबे वाला होगा वो द्वापर के आदि में भी क्या होगा ऊंचे मर्तबे वाला। लेकिन जो द्वापर के शुरू में लड़ाई शुरू रखती है द्वापर के आदि में ही लड़ाई शुरू रखती है, लड़ाई नहीं शुरू होती है द्वापर के आदि में। द्वापर के आदि में जो भी हिंसक धर्म है वो सतोपठान स्टेज में है या तमोपठान स्टेज में? दुनिया की हर चीज हर धर्म पहले सतोपठान और बाद में तमोपठान। तो द्वापर के आज में धर्मों में झगड़ा नहीं होता है, कोई हिस्ट्री नहीं मिल रही है। बाबा जब सिकंदर आया तो बुद्ध के आसपास आया ना, सिकंदर की हिस्ट्री मनुष्यों ने लिखी है या भगवान ने बताई? अशोक जो आया है वो महात्मा बुद्ध के टाइम पर आया है। तो महात्मा बुद्ध 500 साल के बाद आए हैं
ढाई सौ साल के बाद आए हैं या शुरुआत में आए? सतयुग में तो फिर हिंसा वगैरह होती है। द्वापर में और सतयुग में अंतर किस बात का है? दो पुर और एक पुर, एक धर्म और दो धर्म, एक कुल और अनेक कुल, एक भाषा अनेक भाषा, अंतर खास अंतर किस बात का बताया गया द्वापर में? द्वैत का। सतयुग में विशेषता है एक की और द्वापर में जो कमजोरी है वो द्वैत की, बस गड़बड़ हो गया। यही तो खासियत है, जो जहां दो है वहां झगड़ा है और जहां एक है झगड़ा खत्म। बुद्ध के समय तो और भी एक बड़े तीन हो गए, तो दो से चार, चार से आठ, वो तो बढ़ते ही जाएंगे। बाबा मुर्गी में बोलते हैं कि आदमी संकल्प था कि लाश को गुम कर दिया गया, तो चित्रवा ऐसा नहीं किया कि लाश को गुम तो तभी करते हैं जब किसी को धोखे से मारा जाता है। तो फिर ऐसा क्यों बोला बाबा? युद्धों में ऐसा होता नहीं है कि पीछे से आके तलवार मार के खत्म कर दिया। युद्ध होते हैं तो जो युद्ध होते हैं उसमें मान्यता क्या है कि युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को पाते हैं तो अच्छा जन्म मिलता है या बुरा जन्म मिलता है? सुख का जन्म मिलता है, स्वर्ग में जाते हैं, ये मान्यता है। स्वर्ग में जाते नहीं है लेकिन अच्छा जन्म मिलता है, सुखी जीवन मिलता है। तो ये भी बेहद का युद्ध है। इस युद्ध में जो श्रीमत के अनुसार लड़ाई लड़ते हैं, ज्ञान की लड़ाई, इसे कहते हैं ज्ञान का युद्ध। एक है बाहुबल और एक है योगबल। लड़ाई तो है ना, बाहुबल योगबल की लड़ाई है ना। अब कोई बाहुबल के आधार पर बाहुबल का प्रयोग करके धोखे से किसी को मार दे पीछे से, तो मारने वाला नीची गति को पाएगा जाएगा या मरने वाला नीची गति को जाएगा? मारने वाला नीची गति को जाएगा। जो मरने वाला है वो तो फिर भी ऊंचा चला जाएगा। ऐसे नहीं कि हत्या हो गई तो अकाले मौत हो गई, अकाले मौत हो गई तो भूत प्रेत बनना पड़ेगा। जो भूत प्रेत बनते हैं वो अपने मन के संकल्पों के आधार पर बनते हैं या दूसरे के संकल्पों के आधार पर बनते हैं? अपने मन के संकल्पों के आधार पर बनते हैं। वो युद्ध करने वाला तो सच्चाई से युद्ध करता रहा, मारने वाले ने मारा। खराब संकल्प किसके थे? मारने वाले के खराब संकल्प थे। जो मरने वाला है वो तो अच्छे संकल्पों में शरीर छोड़ा, अंत मते सो बते, उसको सूक्ष्म शरीर भूत प्रेत का शरीर कैसे मिलेगा? और एक पानी में है कि एक एक को समझाए तो 9 लाख हो जाएंगे। अभी ये गलत बात है। एक एक को बैठ के समझाने से वारसदार बनने की संभावना है। एक बैठ करके एक को समझाएगा तो व्यभिचारी बनाएगा या अव्यभिचारी बनाएगा? अव्यभिचारी बनाएगा। और जब अव्यभिचारी बनाएगा तो राजा ही जाएगा। ये संभावना है कि एक एक को बैठ के समझाता है तो एक की वृत्ति की पावर मिलती है, एक की वाचा की पावर मिलती है, एक के वाइब्रेशन की पावर मिलती है। और एक चार पांच को बैठ के समझाएगा, इधर भी देखेगा, फिर इधर भी देखेगा, फिर इधर भी देखेगा, फिर इसको देख करके इसके वाइब्रेशन के आधार पर बात करेगा, फिर इसको देख करके इसके वाइब्रेशन के आधार पर बात करेगा, इसके वाइब्रेशन के आधार पर दूसरी बाचा बोलेगा, इनके वाइब्रेशन और दृष्टि के आधार पर दूसरी बाचा बोलनी पड़ेगी।
तो व्यभिचारी ज्ञान हुआ है आप व्यभिचारी, इसलिए राजा अगर बनाना है तो एक एक को बैठ करके समझाए, बाप का वर्षा देना है तो, और प्रजा बनाना है तो प्रजा तो लाखों तादाद में बनती है। बाबा जब रुकावट में भट्टी होती है, जब रुकावट में भट्टी होती है, रुकावट में भट्टी होती है जब, तो एक एक को तो समझाते नहीं है, है? उसके पहले वो तो सिर्फ है जो भट्टी होती है इसलिए की जाती है ज्ञान की समझाने कि जो समझ करके आए हैं, पहले दिन निश्चय पत्र लिखाया जाता है या सातवें दिन लिखाया जाता है, पहले दिन लिखाया जाता है। तो भक्ति तो सिर्फ इसलिए होती है ज्ञान की, ज्ञान सिर्फ इसलिए सुनाया जाता है कि आप जो सुनकर के आए हैं वो आपने एक्यूरेट वही सुना है जो सुनना चाहिए या दूसरा सुनकर के आए, अगर कुछ दूसरा सुन के आए हैं तो उसको रिफाइन कर लें। बच्ची का मतलब ये नहीं है कि वहां बीज डाला गया है ज्ञान का, बीज तो आपका ज्ञान का पहले से ही पड़ा हुआ है, जहां से संदेश और लेकर के आए हैं, निश्चय बुद्धि बन करके आए हैं, बिना निश्चय बुद्धि बने कोई पैसा खर्च करके कहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, तो बीज तो आपके अंदर पहले से ही ज्ञान का पड़ा हुआ है। बस्ती में सिर्फ इसलिए जाते हैं कि ऐसा वायुमंडल में पके, ऐसे गर्भ में पले जहां दुनिया का कनेक्शन बिल्कुल बंद हो जाए, भगवान के घर का खाना खाएं, भगवान के घर के वातावरण में रहें, भगवान के जो सुनाया हुआ ज्ञान है वो ज्ञान ही ज्ञान उस घर में चल रहा हो, दूसरा कोई धंधा वो नहीं होना चाहिए। चिट्ठी भी न लिखे, फोन भी किसी को न करें, बाहर की दुनिया में बिल्कुल बुद्ध ही रह जाए, पांव उस घर की दहलीज से बाहर न जाए, गर्भ में बच्चा पलता है तो कभी बाहर निकल के फिर अंदर जाता है क्या, मौत नहीं हो जाएगी? यहाँ भी अगर बच्ची में आए हैं और सात दिन से पहले ही मान लो छह दिन की बच्ची पूरी कर ली और सातवें दिन घर से बाहर निकल गए तो समझ लो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है, या भूत प्रेत आत्माओं के बच्ची भूत हो गई, तीसरी तीसरी मंजिल से नीचे कूद पड़े और भाग गए, ऐसे भी भक्ति करने वाले आए, पुलिस आ गई, भीड़ लग गई, उनका इलाज भी कराना पड़ा, टांग अभी भी टूटी हुई पड़ी है दक्षिण भारत में, और क्या, अभी तो पांचवी आठवीं मार दे रहेंगे तो खत्म ही हो जाएंगे। पर्सनल पोता मिले इसलिए नहीं सुना।